सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। गम एक अनुभव है जो हर किसी के पास है। खुशी एक एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है। गलत फहमी दूर न की जाए तो वो नफरत में बदल जाती है। दुआ शब्दों में नहीं दिल में होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनता है जो बोल नहीं पाती। जो इंसान अपनी निंदा सुनने के बाद भी शांत रह सकता है, वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। आज का पंचांग 13 नवंबर 2023 दिन सोमवार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि दोपहर 2:57 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विशाखा नामक नक्षत्र रात्रि 3:22 तक रहेगी। इसके उपरांत अनुराधा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 8:04 से 9:26 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:49 से 12:32 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर रात्रि 9:18 तक रहेगी। इसके उपरांत वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। इस साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 13 नवंबर के दिन सोमवार को दोपहर 2:57 से हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 14 नवंबर दिन मंगलवार को दोपहर 2:36 पर होगा। उदय तिथि को देखते हुए गोवर्धन पूजा 14 नवंबर मंगलवार को मनाई जाएगी। मकर राशि 13 नवंबर 2023 दिन सोमवार, आप पुराने विचारों को छोड़कर नए विचारों को अपना रही हैं। आज कुछ अलग ना सोचे, इसका प्रभाव औरों पर अच्छा नहीं पड़ेगा। कोई भी काम करने से पहले ये मूल्यांकन दोबारा कर ले कि आप वास्तव में चाहते क्या हैं। घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए नया वाहन और दूसरी चीजें खरीदने हेतु समय उपयुक्त है। संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक लोगों को आज कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है। सामाजिक और सोसाइटी संबंधित गतिविधियों में अपना योगदान दे, इससे कुछ नए लोगों के साथ संपर्क भी स्थापित होंगे। किसी नजदीकी रिश्तेदार के घर धार्मिक आयोजन पर जाने का अवसर प्राप्त होगा। हर एक व्यक्ति और हर एक बात से ध्यान हटाकर अपनी ही बातों पर ध्यान दे। हर बार आप खुद से अधिक महत्व दूसरों को देते हैं, इस कारण धीरे धीरे बढ़ रही निराशा आपको नकारात्मक बना रही है। अपनी भावनाओं को सुलझाने के लिए थेरेपिस्ट की मदद जरूर लें। स्टॉक मार्केट से संबंधित लोगों को सही मार्गदर्शन मिलने से बड़ा लाभ मिलेगा। पार्टनर के साथ गलत फहमियां दूर करें, जोड़ों का दर्द तकलीफ का कारण होगा। सावधानियां, अवांछित लोगों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इससे समय और पैसे के नुकसान के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। आपका संकालु स्वभाव आपके घर परिवार के लिए चिंता का कारण बन सकता है। संतान के ऊपर अधिक रोक टोक ना करें, मित्रवत व्यवहार रखना उनके मनोबल को बढ़ाएगा। बात करते हैं लव लाइफ की। अत्यधिक व्यस्तता के कारण आप परिवार में समय नहीं दे पाएंगे, परंतु जीवन साथी का परिवार की व्यवस्था बनाने में पूरा सहयोग रहेगा। आपका पिछला अफेयर आपको अभी भी परेशान कर रहा है और ऐसा कई बार हो चुका है। अपने आप को पिछले कड़वे अनुभवों से परेशान ना होने दें। हालांकि अभी आपके आसपास कोई ऐसा है जो आपको पिछले मजेदार दिनों की याद दिलाता है। आप इस आदमी के साथ एक नई शुरुआत की कोशिश कर सकती हैं, बस अपनी कोशिशों के सफल होने तक का इंतजार करें। बात करती हैं करियर की। आप स्वभाव से गंभीर हैं और अपने कार्य करने के लिए प्रतिबद्धता का फल अब मिलने का समय है। दिन के अंत में प्रमुख वित्तीय लाभ की भी संभावना है, जो आपने ईमानदारी और कड़ी मेहनत से अर्जित की है। लेकिन आपको केवल जिम्मेदारी और कर्तव्य की भावना से कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि कार्य को करने में हास्य की भावना विकसित करें, ताकि आपको कार्य करते हुए आनंद की प्राप्ति हो। बिजनेस में किसी तरह की यात्रा स्थगित रखें, इनसे नुकसान होने की आशंका है। अपनी गतिविधियों को दूसरों के समक्ष बयान ना करें, अन्यथा कोई अन्य व्यक्ति इसका फायदा उठा सकता है। नौकरी पेशा लोग अत्यधिक कार्यभार की वजह से परेशान भी रहेंगे।
बात करते हैं सेहत की। तनाव और चिंता करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एसिडिटी व गैस जैसी समस्या रह सकती है। अत्यधिक गरिष्ठ और तला हुआ खाने से भी बचें। कई लोग आज खुशी मनाने के मूड में भी अधिक रहेंगे, लेकिन आपको यह भी समझना चाहिए कि अपनी अस्वास्थ्यकर जीवन शैली के चलते आप आज अपने स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाने पर तुले हुए हैं। आपको अपनी डाइट और शारीरिक मेहनत सहित सभी चीजों में कमी लानी होगी। लत वाली चीजों जैसे तंबाकू, अल्कोहल और ड्रग्स से भी आपको दूर रहना है, क्योंकि इनसे आपके स्वास्थ्य को बहुत खतरा हो सकता है। आज का उपाय। आज अब शंकर भगवान जी को केसर युक्त खीर चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।